सावलिया, आज गोविंद भाई कौन सा मॉड्यूल आप बताने वाले? कार्तिक भाई, जैसे कि हर बार हम कुछ नया ही लेके आते हैं सारे व्यूअर्स के लिए, जो एक्वेरियम होबिस्ट है उसके लिए, तो इस बार भी हम लोग एक छोटा सा नैनो टैंक लेके आए, और काफ़ी लोगों का ऐसा भी डिमांड होता है कि फिल्ट्रेशन टैंक में दिखना नहीं चाहिए, तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन इस टैंक के अंदर आपको दिखाई देगा। और कॉम्पैक्ट भी है, छोटा सा भी है, आप अगर छोटी फिश के लिए लेना चाहते हो, अगर आपकी बिट्टा फिश है, कुछ गप्पी मोली वगैरह, छोटी टेट्रा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे 3 से 5 मछलियों के लिए एक छोटा सा सेटअप चाहिए, और वो भी इतना खूबसूरत ताकि फ़िश का ही लुक रहे या आपका जो डेकोरेशन है उसका ही लुक रहे, फिल्ट्रेशन का जो पाइप है, मोटर है, मशीन है, वो दिखनी ना चाहिए, ऐसा कुछ दिखाया चाहिए आपको, तो ये A4 एक्वेरियम आपके लिए, जो ब्लू पैड का एक नया मॉडल आया है, BL04 मॉडल है, सबसे छोटा और नैनो टैंक भी बोलते हैं हम लोग इसे, और बेस्ट है आपके। आज आपको ये अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाले हैं, तो पूरा वीडियोस एंड तक देखिए आप, ताकि आपको भी पता चले कि मार्केट के अंदर कौन सा टैंक अभी रिसेंटली नया आया है, और आपकी बजट के अंदर और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सूटेबल रहेगा। तो आज हम आपको ये अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाले हैं, तो ये देखिए पूरा वीडियो। ये छोटा टैंक है, कलर कॉम्बिनेशन भी वाइट और ब्लैक दो कलर कॉम्बिनेशन के अंदर मिलता है। उसका जो पावर कंजम्पशन है वो 5 वाट का ही रहता है, तो ज़्यादा उसका भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। और टैंक छोटा सा आप देख सकते हो कि मैंने अपने टेबल के ऊपर रखा है, छोटा सा टेबल के ऊपर ये टैंक खूबसूरत भी लगेगा, अगर आपका ऑफिस डेस्क है तो किसी के ऊपर आप रख सकते हो। बेहतर क्वालिटी रहता है, ब्लू पेट ने काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सारे मॉड्यूल्स बनाए हैं, तो आप ब्लू पेड का कहीं से भी ये टैंक बाय कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हमारा कॉन्टैक्ट शोर कीजिए, हम कुरियर थ्रू भी आपको ये पहुंचा सकते हैं। ड्राई आइटम है तो ये इंडिया में कहीं भी चला जाएगा। पैकिंग भी आप देख सकते हैं कि ऊपर थर्मोकोल रैपिंग की तरह पूरा दिया हुआ, कंट्रोल भी अच्छा है, वाइट कलर का ये टैंक का मॉड्यूल है, पूरा फ्लेक्सिबल होता है ये टैंक, तो दिक्कत भी नहीं आपको कहीं पर भी ले जाने की। ये उसका कवर बोर्ड है, यहाँ पे एक LED पैनल दिया हुआ है, कंपनी ने इनबिल्ट दिया हुआ है, दो कलर कॉम्बिनेशन में है, अभी हम आपको स्टार्ट करके भी दिखाने वाले हैं। यहाँ पे एक स्विच ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, आपको यहाँ पे क्लोज ऑन ओपन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ हम ये पूरा टैंक आपको दिखाने वाले हैं। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये USB से ऑपरेट होता है, USB केबल कोई आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, मोटर लाइट दोनों USB पे ऑपरेट रहने वाला सिस्टम है। तो अगर आपका बैटरी पंप है, यानी वो बैटरी पंप से भी ऑपरेट हो सकता है, अदरवाइज आपके पास कोई चार्जर पावर बैंक है तो इनसे भी आप ये ऑपरेट कर सकते हो। अगर आपके वहाँ लाइट का इशू होता है तो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सेकेंड थिंग, पूरा पीछे की साइड पे दिया हुआ है, फिल्ट्रेशन सिस्टम दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक पंप दिया हुआ है, छोटा सा मोटर, ये पूरा पंप का पानी यहाँ से खींच के टैंक में से वापस पास आउट होके फिल्ट्रेशन होके कंप्लीट वापस रिटर्न आने वाला है। तो दो जगह पे से पानी अंदर के टैंक के पीछे के फिल्ट्रेशन में जाता है, एक नीचे की साइड बॉटम में दिया है, तो अगर बेस का भी आपका वेस्ट है फिश का वो भी चला जाएगा, और ऊपर की साइड सरफेस पर भी है, तो आपका कोई भी अदर एक्स्ट्रा कोई फिल्ट्रेशन या पंप की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आराम से आप ये लगा सकते हो। पीछे की साइड पे मीडिया कॉटन शीट दिया हुआ है, ब्लैक और वाइट, जो माइक्रो भी डस्टिंग होगा वो भी क्लीन कर देगा, बड़ा साइज़ का कोई भी वेस्ट हो वो भी क्लीन कर देगा। क्लीनिंग के लिए भी ईजी है, पूरा आप इसको निकाल सकते हो आपको कर्टन को, तो कोई दिक्कत भी नहीं, पूरा आप रेगुलर वॉश कर सकते हो। छोटा जगह है, छोटी टैंक है, ऐसा नहीं है, प्रॉपर कंपनी ने पूरा फ्लेक्सिबल बनाया है, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो, किसी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी आपको समझाने में, तो आप ये बाय कर सकते हो। अगर आपको छोटी टैंक छोटे फिश के लिए रिक्वायर्ड है तो आप ये सबसे बेस्ट मॉड्यूल है, तो आप ये लीजिए। मैनुअल भी दिया हुआ है, कंपनी ने छोटा सा मैनुअल की है, आपको उसमें भी पता चल जाएगा कौन सा चीज़ कहाँ से यूज़ होता है, पर मुझे नहीं लग रहा है किसी को मैनुअल पढ़ने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत इजी यूज़ है आप हमें है। हाँ, तो हम लोग आपको ये भी कितनी फिश रह पाएगी? हाँ, मैक्सिमम आप इसके अंदर 5 फिश रख सकते हैं, इनसे ज़्यादा कभी रख नहीं पाओगे। कौन सी फिश?
अगर आपके पास गप्पीज़ है टेट्रा वेराइटी में, न्यूऑन, कार्डिनल, रूबिनोज, हार्ली क्विन वगैरह, टेट्रास का कोई वेराइटी है, कलर विडोज़ वगैरह अभी मार्केट में ज़्यादा धूम मचा रही है, अगर वो रखना है तो भी आप इसके अंदर 5 फिश रख सकते हो, मैक्स टू मैक्स 5 फिश रख सकते हो, इनसे ज़्यादा आप नहीं रख पाओगे। नहीं, छोटी साइज की गोल्ड फिश रखोगे तो ये मेरे हिसाब से 1 से 2, इनसे ज़्यादा नहीं, और वो भी एकदम छोटी, यानी फीडिंग गोल्ड बोलते हैं हम लोग, वही हो तो ही आप रख पाओगे, अदरवाइज ये नहीं रह पाएगी इसके अंदर। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि छोटा सा कॉम्पैक्ट टैंक विथ फिल्ट्रेशन, पर आपको फिल्ट्रेशन का कोई भी इक्विपमेंट आगे की साइड पे फ्रंट पे नहीं दिखाई देगा, और सबसे अच्छा चीज़ है लाइट और फिल्ट्रेशन बैक साइड पे है, लाइट भी मल्टी कलर यूज़ हुआ है, छोटे टैंक के अंदर कंपनी ने इतना सारा फैसिलिटी दिया हुआ है, आपने कभी इतना छोटा टैंक के अंदर ये फैसिलिटी कभी नहीं दिखाई दिया होगा। हम यहाँ पे एक ऑन ऑफ का स्विच रहता है, ब्लैक कलर का स्विच है ये वाला, आप जैसे इसको प्रेस करते हो तो फर्स्ट कलर वाइट जैसा हो जाता है उसके अंदर। ये लाइट का जो स्पेक्ट्रम लाइट नहीं, एकदम माइनर सा लाइट रहेगा, ताकि फिश को डायरेक्टली कोई हैवी लाइट ना मिले और ज़्यादातर वो ट्रेस में चली जाती, इधर उधर घूमने लगती, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल मोड के अंदर लाइट है, उसके बाद हैवी मोड आएगा, सेकेंड मोड है थोड़ा सा लाइट ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, थर्ड मोड है उनसे ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ेगा, ये फुल स्पेक्ट्रम लाइट के अंदर आ जाएगा ये मोड। उसके बाद नाइट लैम्प की तरह भी आप उसे यूज़ कर सकते हो, और अगर आपने टेट्रा वेराइटीज़ रखी है तो बेहतरीन कलर इसके अंदर कंपनी ने दिया है ये वाला। इतने सारे कलर ऑप्शन आपको यही टैंक के अंदर मिलेंगे, छोटे टैंक में सबसे अच्छा और कॉम्पैक्ट भी यहाँ पे है। सेकंड चीज़ कंपनी ने ये रखा है, हम लोगों ने यहाँ पे ये USB केबल से ऑपरेट करते हैं ये लोग, और ये जो केबल है पम्प का केबल है, हम लोगों ने जो डायरेक्टली कनेक्शन दिया हुआ है दोनों इसके अंदर ही ऑपरेट है, लाइट और पम्प का दोनों कनेक्शन। अगर आपको पम्प बंद कर देना है तो यहाँ से केबल हटा दीजिए, पम्प बंद हो जाएगा, लाइट आपका चालू रहेगा, और यहाँ से भी आप लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, तो बेहतर ऑप्शन है आपके पास सारी चीज़ का यहाँ पे कंपनी ने रखा है। और सेकंड चीज़, आपके इसके अंदर आप मीडिया भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप छोटे टैंक के अंदर कोई भी बायो मीडिया या API का कोई भी मीडिया यूज़ करना चाहते हो तो इसके अंदर कर सकते हो, ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी फिश हेल्दी रहेगी, क्योंकि सरफेस क्लीन भी रहने वाला है और बॉटम भी क्लीन रहने वाला है, बीच में तो कोई वेस्ट कभी होता ही नहीं कोई भी फिश का, ये दो जगह पे आपको फिश का वेस्ट या कुछ भी पोटी वगैरह जो भी आप बोलते हो वो सारा पीछे की साइड पे आने वाला है। तो आप अगर विदाउट एनी इक्विपमेंट आपको देखना नहीं है पम्प कहाँ पे हिडन रखना है सभी चीज़, तो ये सबसे बेस्ट टैंक है नैनो टैंक, आप ऑफिस डेस्क के लिए या अपने बेडरूम के लिए छोटा टैंक ये बाय कर सकते हैं। आशा रखते हैं कि ये वीडियो आपको पूरा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखते रहे मिल चाहिए तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ताकि आपको हम जो भी वीडियो नए आए हमारे वो आपको मिलते रहे हर बार। और A4 एक्वेरियम ऐसा एक शॉप है अहमदाबाद का, एक गुजरात के अंदर लोकेटेड है, वो हर बेहतरीन क्वालिटी वाला प्रोडक्ट सेल करते हैं, और वो भी हम लोग पहले उसको ट्राई करते हैं, उसका जो भी हमें लगे कि नहीं कस्टमर के लिए वैल्यू का ये जो मनी है उसका वैल्यू को प्रॉपर देखते हुए लाते हैं कोई भी प्रोडक्ट। तो ऐसा नहीं हमने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कभी वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ रखने वाले हैं वो लाइव एंटिटी है, फिश है, हम फिश के सौदागर कभी बनेंगे नहीं, जो चीज़ है वो फैक्ट है वही आपको दिखाएंगे कि आपके कौन सी फिश के लिए सही है और इनसे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो आशा रखते हैं कि हमारा जो वीडियो है वो आपके लिए ऑल टाइम इन्फॉर्मेटिव रहेगा, और आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर नहीं पता चल रही है, अगर आपके रिक्वायरमेंट है और आपको नहीं मिल रही है तो हमारा कॉन्टैक्ट शोर कीजिए, हम ऑल ओवर इंडिया आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। इसके अलावा आपके पास बड़े टैंक्स भी अवेलेबल है? हाँ, बड़े टैंक्स हमारे पास 5 फीट तक सारे अवेलेबल रहते हैं ऑल टाइम के लिए, अगर स्टॉक में नहीं है तो 1-2 दिन का वेट करना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा, बट 99% हमारे पास सारे ब्लू पेट टैंक हमारे पास रहते हैं। तो अगर टैंक की होलसेल और रिटेल दोनों हम करते हैं, और हमारा शॉप अहमदाबाद के अंदर लोकेटेड है, पर ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको ये प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, कहीं पे भी आपको ये इजीली मिल जाएगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कि समझो कि हमारा कोई शॉपकीपर है, यानी हमारा कोई पहचान वाला शॉपकीपर है, अगर आपके एरिया में लोकेटेड है तो भी हम आपको यहाँ से आपको उसका बात करके आपको बेस्ट रेट के अंदर वो प्रोवाइड करवा देंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको शिपिंग का भी टेंशन नहीं, आप वहाँ जाके प्रॉपरली देख सकते हो हमारा रेफरेंस लेके भी, तो आपको ऑल तरह का इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसका बेनिफिट लेना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको ये फिश टोबी में बरकरार रहिए और आगे बढ़ते रहिए।
थैंक यू भाई कि आपने बहुत ही अच्छा इसका अनबॉक्सिंग करके हमको बताया हुआ है, और आपके पास भी बहुत सारे टैंक्स अवेलेबल है। मैं बताना चाहूँगा कि कोई अपने व्यूअर्स या कोई भी शॉपिंग को अगर उनके एरिया में पेट शॉप स्टार्ट करनी है तो भी भाविन भाई उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। जो भी आपको सप्लायर अगर चाहिए तो सप्लाई भी प्रोवाइड कर देंगे। हाँ और कार्तिक भाई मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हम लोग जो वीडियोज़ ला रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और काफ़ी लोगों का सिर्फ हम लोगों को कॉल आता है कि हमारा यहाँ पे लोकेटेड है, हमारा ये शॉप है, तो प्लीज़ आपका जो भी है फर्म है या शॉप है तो प्लीज़ आप हमें पहले तो व्हाट्सएप पे अपना डिटेल शेयर कर दीजिए, उसके बाद प्राइस लिस्ट मंगवाइए, क्या ताकि हमको भी पता चले हम एक शॉपकीपर को माल बेच रहे हैं। काफ़ी कस्टमर स्मार्ट भी हो और स्मार्ट भी और लोग होते हैं वर्ल्ड के अंदर, ऐसा नहीं है तो काफ़ी बार क्या होता है कि कस्टमर बन के हमारा होलसेल प्राइस मांगना स्टार्ट कर देते, वो सही बात नहीं है। तो बेटर ऑप्शन है अगर आप शॉपकीपर हो तो आप हमें विजिटिंग कार्ड शेयर कर दीजिए, अपना फॉर्म का जो भी डिटेल है वो शेयर कर दीजिए, उसके बाद यहाँ से प्राइस लिस्ट आपको मिलेगा। अदरवाइज़ हम लोग कभी ऐसा नहीं शेयर करेंगे आपको डिटेल, ताकि दूसरे कस्टमर है या दूसरे जो हमारे जो शॉपकीपर है उसको जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको रेट मिले और आपको भी वही सेम रेट मिले, वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो आप ओवर स्मार्ट मत बनिए, जो भी चीज़ है वो फैक्ट है, हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहती है, हमारे पास ऐसा कोई गोलमोल वाली या ऐसी बात नहीं होती यहाँ पे, तो उसका सिर्फ ध्यान रखें। अगर आप ऑनेस्टली शॉपकीपर है, आपको प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पे 100% मिलेगा। और भाई भाई ने और एक चीज़ भी स्टार्ट की है एज अ चीफ ड्राइव के नाम पर, अगर किसी के पास पेट है और वो किसी को डोनेट करना चाहते हैं या किसी को एडॉप्ट करना भी है तो भी आप उसके रिगार्डिंग भाई भाई को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी पेट हो, डॉग है, कैट है, बर्ड्स है या फिश है, आप उसको डोनेट करना चाहते हो और आप ऐसा भी सोच रहे हो कि आप जैसे उसको केयरिंग कर रहे हो ऐसा फैमिली उसको भी मिले, या अगर आप उसका केयरिंग कम आपसे नहीं हो पा रहा अभी ऐसा कुछ और आपको इमरजेंसी उसको सेल भी नहीं करना है और रखना है, अच्छी फैमिली के साथ देना है, तो हमारा कॉन्टेक्ट शोर कीजिए। हमारे पास ऐसे काफ़ी फैमिलीज़ है जो उसका कैपेसिटी नहीं है बाय करने का पर उसको रखना है, वो अच्छी तरीके से रख सकते हैं आपका पेट्स को, आपकी आप जितना केयरिंग करते हैं इतना वो केयर कर सकते हैं डेफिनेटली। और हमारे पास जो भी लोग आते हैं वो जेन्युइनली बंदे रहते हैं, वो जेन्युइनली फैमिलीज़ भी जो हम लोगों का इतने साल पुराना रिलेशन वाले लोग रहते हैं, ताकि आपको हम किसको ये सेल आउट करते हैं या किसी को हम डोनेट करते हैं वो आपका पूरा डिटेल ऑल टाइम मिलता रहेगा और आप उसको वहाँ जाके अपने पेट्स को देख भी सकते हो कितना हैप्पीज़ है। तो ये जो एक बीच का लाइन रहता है वो हम मीडिएटर बनने के लिए आपके यहाँ पे ये आप ऑप्शन दे रहे हैं आपको कि आप यहाँ हमारा कॉन्टेक्ट कीजिए और आपका पेट्स को एडॉप्शन के लिए छोड़ दीजिए हमारे पास और बेफिक्र हो जाइए, कभी भी आपके पेट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है और दिक्कत आ रही है आपको तो हॉस्टल भी ऑप्शन है आपके पास, और आपको नहीं रखना है तो आप किसी को ऐसे ख़राब हालत में मत छोड़ दीजिए, आपको एडॉप्शन करवा दीजिए किसी के पास। आपको और एक चीज़ भी बताना चाहूँगा कि किसी को पता हो या नहीं पता हो और बट भाविन भाई ने फिश के लिए भी हॉस्टल चालू की है, तो आप अहमदाबाद में कहीं पर भी हो या गांधीनगर में आसपास के कोई भी एरिया में हो, कितने भी दिन के लिए रखनी है फिश आपको यहाँ पर हॉस्टल में, तो भाविन भाई उसके लिए आपको एक फिश हॉस्टल भी प्रोवाइड करते हैं सारी हॉस्टल। अगर किसी को बर्ड भी यहाँ पर रखते हैं तो बर्ड हॉस्टल भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है, हॉस्टल फैसिलिटी डॉग बर्ड्स और कैट और फिश सभी का यहाँ पर स्टार्ट है। और एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर आप ऐसा टाइम के अंदर आपका कोई प्रॉब्लम आ गया, सडनली कोई प्रॉब्लम हुआ है और आप आउट ऑफ अहमदाबाद हो या आपके घर फैमिलीज़ के अंदर या कोई नहीं आ पा रहा है यहाँ पे छोड़ने के लिए, तो हमारे यहाँ से वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग आपके वहाँ पे जाके बेस्ट पैकिंग करके फ़िश को हेल्दी से यहाँ शॉप पर ला के रख देते हैं, तो भी वो भी फैसिलिटी है। अदरवाइज़ आप पोर्टर भी कर सकते हो, पूरे अहमदाबाद के अंदर आप कहीं से भी पोर्टर से भी फिश मंगवा भी सकते हो और वहाँ से आपके घर पे यहाँ पे भेजवा भी सकते हो। तो सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है अभी अहमदाबाद के लिए, F4 एक्वेरियम।